हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय। आज हम बात करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री, कक्षा 10 इतिहास के बारे में। इतिहास में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किए हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ कर बनाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन क्वेश्चंस को अगर रीड कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप किसी भी अलग तरह का क्वेश्चन भी अगर आता है, जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं भी किया, उसका आंसर भी दे पाओगे। तो आपने सभी 15 के 15 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है। और इसके अलावा मैंने इस वीडियो में जो ये इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आपको मिलेगा। तो पहले आपने वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिंक पर जाके क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में सिर्फ इन क्वेश्चन आंसर्स को देखना पड़े और सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय लगे। लेकिन एक बार क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। पूरा क्यों देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो इसमें लिखी नहीं गई हैं, उनको जानना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोरिल्ला आंदोलन क्या होता है। तो गोरिल्ला आंदोलन, वैसे कोई इम्पोर्टेंट सवाल तो नहीं आएगा पेपर में कि गोरिल्ला आंदोलन क्या है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि गोरिल्ला आंदोलन क्या है। तो गोरिल्ला आंदोलन का क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं था, लेकिन वीडियो में आपको बताया था कि वो क्या होता है, इसीलिए वीडियो को एक बार देखना भी ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें क्वेश्चन में नहीं लिखी गई हैं वो भी आप समझ सकें। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि क्या महात्मा गांधी जी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी? जी हाँ, इसका उत्तर है हाँ। तो बात ये थी कि जो महात्मा गांधी ने स्वराज की अवधारणा पैदा की लोगों में, उनका मतलब सभी लोगों के लिए अलग अलग था। मजदूरों के लिए अलग था, किसानों के लिए अलग था, और जो मजदूर थे वो भी काफ़ी कैटेगरी के थे, उनके लिए भी इसका मतलब अलग अलग ही था। क्वेश्चन नंबर 1, हैड वर्कर्स देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज? द आंसर इज यस। सवाल नंबर 2, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास किया गया? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था 1859 में। क्वेश्चन नंबर 2, When was Inland Immigration Act passed? The answer is 1859. प्रश्न नंबर 3, Inland Immigration Act क्या था? तो जो 1859 में Inland Immigration Act को पास किया गया, वो एक्ट था क्या? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है कि इस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो जो बागानों में मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को बागानों से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। उनको क्या करते थे, पहले उन बागानों में रख लिया जाता था। बागानों में रखने के बाद, एक बार जो बागान में एंटर कर गया मजदूर, उसके बाद उसकी वहां से छुट्टी हो पाना बहुत ही मुश्किल था। उसकी वहां से बाहर जाने की संभावना न के बराबर थी। और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, यानी कि उनको बागानों से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी।
और जो परमिशन नहीं थी और बाहर जाने की परमिशन, तो उन्हें विरले विरले मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत कम संभावना है कि उनको बाहर जाने की परमिशन मिल जाए। व्हाट वॉज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट? द आंसर इज अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस। प्रश्न नंबर 4, असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था? तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे। जो ऊपर वाले प्रश्न में क्या देखा हमने कि जो मजदूर थे बेचारे, उनको बागानों से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, अपने घर वालों से मिलने की परमिशन नहीं थी, अपने गांव जाने की परमिशन नहीं थी, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या हो सकता है? तो सीधी सी बात देखो ये रही कि उन मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि भाई वो बागानों की चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकें, कोई फालतू की रिस्ट्रिक्शंस ना हो और अपने गांवों से संपर्क रख पाएँ, यानी कि अपने गांव से आना जाना लगा रहे, अपने परिवार से वो मिल सकें। यही मतलब था उनके लिए आज़ादी का, क्योंकि उनके लिए बागान एक कैद की तरह हो गए थे, जेल की तरह हो गए थे, जिसमें से वो अंदर बाहर नहीं जा पाते थे। तो उनके लिए बस ये था यार कि आज़ादी का मतलब हम जब मर्जी आएं और जब मर्जी जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम? द आंसर इज फॉर वर्कर्स फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस ऑफ प्लांटेशन एंड कुड रिटेन लिंक विद देयर विलेजेस। प्रश्न नंबर 5, बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो जो बागान में मजदूर काम करते थे और जब असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो उस असहयोग आंदोलन का असर बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर किस प्रकार, क्या असर डाला, कितना असर डाला? तो मजदूरों को क्या लगा कि जब असहयोग आंदोलन चला तो उनको लगा कि अब गांधी राज आ रहा है। तो गांधी जी उस समय तक काफ़ी फेमस हो चुके थे इंडिया में, तो मजदूरों को लगा कि अब गांधी राज आएगा, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, यानी कि उनको फालतू में इन बागानों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ज़मीन मिल जाएगी, वहीं ज़मीन पर वो खेती कर सकेंगे, उनको ऐसा लगता था। वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। तो जो उनके अधिकारी थे, जो उन अंग्रेज थे जिनके अंडर वो काम करते थे, अवहेलना का मतलब है उनकी बात ना मानना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करना। तो अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन प्लांटेशन वर्कर्स? द आंसर इज वर्कर्स बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेजेस, और सबको अपने गांव में ज़मीन दी जाएगी। वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ यानी कि जो उनसे बड़ी पोस्ट के थे, डिफाई मीन्स मना करना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करना। दे लेफ्ट प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, उन्होंने प्लांटेशंस छोड़ दी, यानी कि जिन बागानों में काम करते थे उनको छोड़ दिया और अपने घरों की तरफ चले गए। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, बागानों के मजदूर अपने घरों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? तो जब वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उनकी बातों को नहीं मानने लगे, वो अपने बागानों से निकलकर अपने गांवों की तरफ चल पड़े, लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाए, ऐसा क्या हुआ? तो बात ये थी कि उस समय रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी, तो भाई जिस माध्यम से, जिसके थ्रू उनको अपने घर जाना था, वो चीज़ें तो रुकी हुई थी, यानी कि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी, जिससे वो रास्ते में ही रह गए, रास्ते में ही फंस गए, यानी कि ना तो बागान जा सकते हैं, बागान जाएंगे उनको पता है कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनकी धुलाई करेंगे,
तो हुआ क्या, वो रास्ते में फंसे रह गए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशंस। द आंसर इज बिकॉज दे वर स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। स्ट्रैंडेड मीन्स फंसना, तो वो फंस गए थे कहाँ पर, रास्ते में ही। क्यों? क्योंकि रेलवे और स्टीमर्स की स्ट्राइक थी। दे वर कोट बाय द पुलिस, पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड ब्रूटली बीटन अप, और बहुत बेरहमी से पिटाई की गई उनकी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, क्या विभिन्न स्थानीय आंदोलनों और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित किया गया। तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन की बात हो रही थी उस समय क्या हो रहा था कि बहुत जगह पे आंदोलन हो रहे थे, अवध में, ऐसे हमने देखा बागानों में, शहरों में, तो सभी जगह अपने अपने तरह के आंदोलन चल रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या इन सभी आंदोलनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की? जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन क्या उन्होंने अपने जितने भी कार्यक्रम किए उन सब में इन आंदोलनों के बारे में बताया या लोगों को जागरूक किया या समझाया? जैसे मान लो यहाँ पे आंदोलन, यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग हो रही है या फिर कांग्रेस के कुछ नेता भाषण दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने जो आसपास आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों को मेंशन किया अपने प्रोग्राम्स में, अपने कार्यक्रम में, या नहीं किया? तो इसका उत्तर है नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7, वर द डिफरेंट विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स डिफाइंड इन द कांग्रेस प्रोग्राम। द आंसर इज नो। प्रश्न नंबर 8, चोरी चोरा स्थान कहां पर है? तो ये पड़ता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये आपने याद रखना है और ये मैप में भी पूछा जा सकता है। What is the location of Chori Chora? The answer is Gorakhpur, Uttar Pradesh. प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापिस लिए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, उसको वापस ले लिया था, इसका क्या मुख्य कारण था, मेन रीजन क्या था? तो उसका मेन रीजन था कि 1922 में गोरखपुर में जो चोरी चोरा है उसमें बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस, उसने क्या किया, जो अंग्रेज थे, पुलिस वाले थे, उन पर हमला कर दिया। और क्या हुआ, उस जुलूस में और पुलिस वालों में हिंसक टकराव हो गया। तो आप जानते हैं कि गांधी जी हिंसा को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो अहिंसा चाहते हैं हमेशा। तो यह गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इस घटना को देखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके अलावा उन्हें यह भी लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, तो जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया, उन्होंने देखा कि हिंसा बढ़ रही है इस आंदोलन में और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो जो सत्याग्रही कर रहे हैं सत्याग्रह को, उन्हें अभी और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन अभी बंद करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक तो हिंसा रुक जाएगी और दूसरा सत्याग्रहियों को पहले ट्रेंड किया जाएगा और फिर उसके बाद सत्याग्रह को स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉज द मेन रीजन टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? द आंसर इज इन 1922 एट चोरी चोरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू अ वॉयलेंट क्लैश विद द पुलिस। दिस इंसिडेंट वॉज डिसलाइक्ड बाय गांधी जी। मोर ओवर, इसके अलावा ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसिस एंड सत्याग्राहीज नीडिड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। दीज वर द रीजन्स ऑफ स्टॉपिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
प्रश्न नंबर 10, असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो आपको पता ही है, ऊपर वाले प्रश्न में हमने बात की कि ऐसे बहुत सारे कारण हो चुके थे, ऐसी बहुत सारी स्थितियां पैदा हो गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो यह आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन? द आंसर इज फरवरी 1922। प्रश्न नंबर 11, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया? तो इसका उत्तर है 1919। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड? द आंसर इज 1919। प्रश्न नंबर 12, कांग्रेस के कुछ नेता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा क्यों लेना चाहते थे? तो बात चल रही थी असहयोग आंदोलन की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदों के चुनाव हो रहे थे उनमें कांग्रेस के नेता हिस्सा लेना चाहते थे। असहयोग का मतलब था कि चुनाव में हिस्सा न लेना, सरकारी स्कूलों में न पढ़ना, यानी कि अंग्रेजों की बिल्कुल भी हेल्प ना करना, उनका कोई काम या उनके किसी भी संस्था में काम ना करना। लेकिन यहाँ क्या था, कांग्रेस के ही नेता चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे जबकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो वो हिस्सा क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि परिषदों में रहते हुए वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकेंगे, कि जब वो परिषद के मेंबर बन जाएंगे तब वो क्या कर सकेंगे, जो कांग्रेस नीतियां, जो कांग्रेस नियम कानून बनाएगी भारतीयों के लिए, अगर उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो वो उसका विरोध कर पाएंगे और सुधारों की वकालत कर पाएंगे। जो सुधार किए जाने जरूरी हैं उन सुधारों को, उन पॉइंट्स को, उन कानूनों को, उन नियमों को जो है वो अंग्रेजों के सामने रख पाएगी कि ये सुधार करना जरूरी है। और वे यह भी देख पाएंगे कि जो परिषदें बनाई गई हैं वो लोकतांत्रिक हैं या सिर्फ नाम नाम की ही बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? Because they felt that it was easy to oppose British policies within the councils, argue for reform, and they could check that these councils are truly democratic or not. Prashn number 13. Swaraj Party ka gathan kisne kiya? तो स्वराज पार्टी को बनाने में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दो लोगों का ज़्यादा योगदान है। हु वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? द आंसर इज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 14, क्या स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बनाई गई थी? हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे जैसे कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोग कांग्रेस पार्टी के ही अंदर, इन्होंने क्या किया, अंदर ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग से पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड विद इन कांग्रेस? द आंसर इज यस। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका उत्तर है 1928। When did साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? द आंसर इज 1928। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया, उसके आने से क्या क्या हुआ, ये सारी की सारी बात हम इससे आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के ये थे कुल 15
प्रश्न, तो वीडियो देखने के बाद अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कीजिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, अलविदा, बाय, थैंक यू।